अभी हमारे यहाँ देश में कोल से यूरिया बनता है, अभी एक जगह हम उड़ीसा में शुरू कर रहे हैं, पर हम देश में 60,000 करोड़ का यूरिया इम्पोर्ट करते हैं। हमारे देश में अमोनियम नाइट्रेट की शॉर्टेज है, वो हम इम्पोर्ट करते हैं जो कोल से बना सकते हैं। कोल से DME बनता है जो हम LPG में ऐड कर सकते हैं। तो जो मैं आपको यही कहूँगा कि वी नीड रिसर्च बट नीड बेस्ड रिसर्च। हमारे जो इम्पोर्ट क्या है उसको ढूंढ लो, और इम्पोर्ट के स्वदेशी अल्टरनेटिव आप क्या तैयार कर सकते हैं वो देखो, उसको प्रायोरिटी दो। और मुझे लगता है कि उसमें हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इम्पोर्ट भी कम होगा, और हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे देश के टोटल ग्रोथ में हमारी 22-24% जो GDP ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, 52-54% सर्विस सेक्टर से आती है, और 12% एग्रीकल्चर से आती है। तो अभी 65% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारे 124 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वहाँ गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा का भी अभाव है, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो फॉरेस्ट बेस जो इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, एग्रीकल्चर, रूरल टेक्नोलॉजी कौन सी डेवलप हो सकती है, उसमें आप लोग थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। मैं जब MSME मंत्री था तो गोबर से हमने हमारे यहाँ पेंट बनाया। ये जो जयपुर में हमारा एक कुमारप्पा इंस्टीट्यूट है खादी ग्रामोद्योग का, उन्होंने बहुत सुंदर पेंट बनाया, और उसमें 9 फीचर्स ऐसे जो ये पेंट में नहीं है, मैंने खुद अपने कॉन्फ्रेंस रूम में लगाया, और इतना, और हाफ ऑफ द प्राइस। अब ये पेंट अगर बनना शुरू हो गया और गाय के गोबर को अगर 5 रुपये किलो का भाव मिल जाएगा तो गाय को कोई बेचेगा ही नहीं। अभी इसमें भी इतना रिसर्च है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, कि 1952 में हमारे देश से गिर नाम की गाय ब्राज़ील गई, और अभी उनके पास गिर इतना अच्छा डेवलप हुई है कि 60 लीटर देने वाली गाय है गिर। और उसका जो बुल आया, टोरेंडो उसका नाम था, तो 60 लीटर जो गाय दूध देती थी उसके बुल का सीमेंस लाकर इंडिया में 2 लीटर के गाय को अगर दिया तो उससे 20 लीटर की गोरी, ये प्रयोग शुरू हो गया। मैंने नागपुर में भी लेबोरेटरी डाली है, अभी चितड़े करके जो है सांगली में, उनने भैंसों के लिए और गाय के लिए बड़ी, अभी उद्घाटन के लिए मुझे वो बुलाने के लिए आए हैं। अब उसमें और नई रिसर्च हुआ कि जैसे बेटी बचाओ अभियान करते वहाँ अब गाय के लिए करने की जरूरत नहीं, 100% गोरी होगी, और 2 लीटर के गाय से जैसे आप ये टेस्ट ट्यूब बेबी है वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी बनती है, और वो जो गोरी है वो 20-25 लीटर की दूध देंगी, देशी होगी। और धीरे धीरे अगर ये होगा तो 3 वेद में हमारी हुस्टन और जर्सी की गाय भी देशी नस्ल में बदल जाएगी, तो फिर से देशी गाय और देशी गाय के दूध की अलग विशेषता है। तो अब ये रिसर्च इतना हो रहा है कि ये सब, इसमें हम लोग काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में कर सकते हैं। बाम्बू, इतना अच्छा बाम्बू में काम हो रहा है कि अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैं भी खूब दिनों से बाम्बू में काम करता हूँ, इतना अच्छा फर्नीचर बना है, इतने प्रोडक्ट अच्छे हुए हैं, बाम्बू से बायो इथेनॉल बना है, बाम्बू से अचार बना है, बाम्बू के कपड़े अच्छे हुए हैं। मैं इंदौर में गया तो मॉडल वो बाम्बू के कपड़े पहनकर उन्होंने प्रेजेंटेशन किया, इतना बाम्बू से अच्छा फाइबर है। अब बाम्बू में अभी हमारे घर पे करके एक है सिंधुदुर्ग जिले में, टाटा ने उनको काफ़ी मदद की है, उनको अभी हमारे मालदीव्स में उनको बहुत बड़े ऑर्डर मिले, अभी वो दोहा का एयरपोर्ट बाम्बू का वो बना रहे हैं। आप दिल्ली आएंगे तो हमारे यहाँ ताज मानसिंह होटल है, उसमें एक मचान 5 स्टार और पचान करके रेस्टोरेंट है, वो पूरा बाम्बू से बना है। तो बाम्बू में ऐसी स्थिति है कि मैं जब MSME मंत्री था तो चाइना से अगरबत्ती की गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती थी, मैं खूब पीछे पड़ा, और मैंने वो इम्पोर्ट बंद किया तो चाइना में जिस गांव में अगरबत्ती की गाड़ियाँ बनती थी वहाँ मेरा पुतला फूका हुआ के लोग मैंने उनका पूरा इम्पोर्ट बंद कर दिया। अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसाम में नॉर्थ ईस्ट में बाम्बू बनता है, तो मैं एक मल्टी मॉडल हब बना रहा हूँ जोगी दोपा में, आसाम में, जहाँ
ना ब्रह्मपुत्र भी है, एयरपोर्ट भी है, रेलवे भी है और नेशनल हाईवे भी है। और वो नॉर्थ ईस्ट का बाम्बू अपने देश में आए और वहाँ केबल स्टिक बन जाए, बाद में यहाँ अगरबत्ती बने, तो अब धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हुआ है। तो धीरे धीरे हर चीज़ ऐसी जो रूरल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है, हम ऐसे कौन से रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं जिससे वैल्यूडेशन हो सकता है, और वहाँ निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी जो रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम में आएगी वो बहुत उपयोग होगा, वहाँ नए रोजगार निर्माण होंगे। तो मैं तो आग्रह करूँगा, वैसे हमारे रोड सेक्टर में काफ़ी IITs काम करती है, बॉम्बे IIT को भी हम हर जगह बहुत। आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ कि IIT वाला क्या कर सकता है। मैं शिपिंग मंत्री था तो कलकत्ता में एक हल्दिया पोर्ट है, तो वहाँ एक हमारी चैनल थी, तो मेरे साथ एक IIT का ही लड़का अरुण नरेंद्रनाथ करके काफ़ी देर का अभी वर्ल्ड बैंक में गया, तो उसने कहा कि यहाँ ये जो पुराना चैनल है इसको हम अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारा 250 करोड़ साल का ड्रेजिंग का पैसा बचेगा। तो मैंने पोर्ट चेयरमैन को कहा, उसने कहा सर ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा कोई कंसल्टेंट को पूछो, बोले नहीं नहीं ये वायबल नहीं है। अब मुझे क्या मालूम कि 250 करोड़ के काम में काफ़ी लोगों का लाभ मिलता है ना। तो उसने कहने के बाद फिर मैंने आखिर गुस्से में आकर एक कमेटी अपॉइंट की और चेन्नई IIT के एक प्रोफेसर को काम दिया और उनको कहा कि ये चैनल हो सकती है क्या। उनने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया और फिर वो चैनल हमने चालू की। आपको ताज्जुब होगा, तब से 200 करोड़ रुपए साल के बच रहे और वो चैनल अब चालू हो गई कल हल्दिया पोर्ट में, बिकॉज ऑफ IIT। मैं खुश हो गया और मैंने चेन्नई IIT को कहा कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ रिसर्च के लिए, और 50 करोड़ रुपए मैंने दिए कि वे आप मेरे डिपार्टमेंट से कि आप शिपिंग से रिलेटेड आप सब रिसर्च करो। तो ये निश्चित रूप से फ़ायदा है। और इसलिए एक बात और एक ज़रूरी है कि हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो प्रधानमंत्री कहते हैं ये साइलो में काम करती है, और रिसर्च को जैसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट जैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखते हैं, वैसे रिसर्च पेपर किसी को ना समझे ऐसे सील करके रखते हैं। रॉयल्टी ले रहा है तो लो, पर बताओ तो लोगों को देते नहीं। बहुत से रिसर्च सरकार में भी डिफेंस के अनेक ऑर्गेनाइज, प्रधानमंत्री ने कहा बाहर निकालो ये दो लोगों को, एग्रीकल्चर के रिसर्च है, अनेक रिसर्च है। तो रिसर्च जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसमें लोकाभिमुखता होनी चाहिए। इसके लिए वी नीड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर होगा, जैसे मैं ऑटोमोबाइल का काम करता हूँ, मैं अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरे पास है, अब मैं 260 केबल कार बना रहा हूँ, रोप वे फेनोकुलर रेलवे बना रहा हूँ 260। तो लद्दाख और लेह में, श्रीनगर और लद्दाख लेह को जोड़ने वाली कारगिल में मैं टनल बना रहा हूँ, और उसमें आपको खुशी होगी कि यह टनल 12,000 करोड़ की थी, 4 बार टेंडर हुई, पर हमारे लोगों ने साल भर हमने अध्ययन किया उसके, काफ़ी टेक्नोलॉजी और इसमें रिसर्च किया, और अब टेंडर निकला तो हमारे 5,000 करोड़ बच गए, हमने कॉस्ट बचाई। और अभी वो टनल वहाँ जो है लद्दाख लेह में पहाड़ी पर लोग रहते हैं, तो मैं एक IIT का ही है, शायद आपके मुंबई IIT के ही होंगे वो, पता नहीं मुझे, गोवा में है, उन्होंने एक छोटा सा फेनेकुलर रेलवे बनाई है। तो मैंने उनको बुलाकर वहाँ के गवर्नर के पास भेजा, और अब वो मैंने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट तुम बनाओ, विदेशी कंपनी के बजाय मैं आपको काम देता हूँ, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाओ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं 1200 करोड़ का आपको काम दूंगा 30-40 प्रोजेक्ट का।